गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम विजेंद्र विक्टर है, यूनाइटेड मेडिसिटी प्रयागराज में लैब टेक्नीशियन हूँ, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी टेक्नीशियन हूँ। तो आज का हम लोग चैप्टर लेके आए हुए हैं, साइटोपैथोलॉजी में स्पेशल स्टेन है पास स्टेन नहीं पैप स्टेन, पैपो न्यूक्लियर स्टेन होता है ये। ये स्टेन में क्या करते हैं हम लोग, जैसे किसी का वेजाइनल स्वाब का सैंपल लिया जाता है, देखा होगा आपने गायनोलॉजिकल केस है ये, पैप स्मियर लिया जाता है, पैप स्मियर में कैंसर या ट्यूबरकुलोसिस की शंका होती है, तो उसकी डिटेक्शन के लिए पैप स्टेनिंग किया जाता है। पैप स्टेनिंग में क्या क्या होता है, जैसे कैंसर की स्लाइड कैंसर होगा उसमें दिखेगा, ट्यूबरकुलोसिस होगा दिखेगा। तो हम लोग का मेन एम क्या है, क्या कैसे करना होता है, जैसे कोई सैंपल आया है हम लोग के पास, सैंपल एक फिक्सेटिव में आता है, एथेनॉल मिथेनॉल या प्रोपेनॉल, जैसे किसी एल्कोहल स्वाब में एल्कोहल में आता है, उसमें स्लाइड्स होती हैं, इस तरह की स्लाइड्स हैं, जैसे इस जार में आप देखेंगे इस तरह के हल्का हल्का स्मियर होता है, ये इसी को बोलते हैं पैप। अब क्या करना है, पैप को हमें स्टेनिंग करना है। तो इससे पहले स्टेनिंग शुरू करें, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की लिंक आपको अच्छे से मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं पैप स्टेनिंग। रिएजेंट्स, पैप स्टेनिंग के लिए रिएजेंट्स क्या क्या यूज करते हैं। पैप स्टेनिंग सबसे पहला क्या होता है कि जो हम लोग स्लाइड्स होती है इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग हाइड्रेट करते हैं, क्योंकि ये इथेनॉल में है, एक फिक्सेटिव है, और हम लोग जो स्टेनिंग करेंगे उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को स्टेन करना होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कैसे स्टेन होंगे, जब तक वो वाटर में नहीं रहेंगे तब तक स्टेन नहीं हो सकते, तो हमें पहले स्लाइड को हाइड्रेट करना होगा, वाटर पहले हाइड्रेट करेंगे, उसके बाद स्टेनिंग प्रोसीजर आता है। पहला स्टेन हमारा है न्यूक्लियर स्टेन, नेक्स्ट है वॉश्ड बफर, डिहाइड्रेंट, एक है साइटोप्लाज्म स्टेन जो कि 102 आता है, इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें बनाकर रखा हुआ है साइटोप्लाज्म स्टेन हमने। डिहाइड्रेंट दो बार यूज होगा, आप यहां नजदीक से देख सकते हैं हमारे ये एसओपी लगा हुआ है, देख रहे होंगे एसओपी में, एसओपी में देखा होगा आपने, एसओपी में क्या करते हैं, कैसे बताया गया पूरा प्रोसीजर है, उसके बाद इसे हम बताते हैं कैसे करते हैं। जब स्लाइड स्टेन हो जाती है उसके बाद हम लोग माउंट करते हैं, माउंट करने से पहले हमें ज़ाइलिन चाहिए होता है, ज़ाइलिन में डिप करते हैं, उसके बाद ड्राई माउंट या वेट माउंट करते हैं, मॉइस्ट माउंट या ड्राई माउंट। तो उसके बाद हम लोग पास फिजिटिव रखा हुआ है, फिजिटिव बाद ये हम लोग का डीपीएक्स माउंट है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड को माउंट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रेट द स्मियर, स्मियर को पहले वाटर में हाइड्रेट करते हैं, स्मियर कैसे पकड़ लिया, स्लाइड के पीछे हिस्से पे, जहाँ स्मियर है उस पर पानी नहीं डालना है, पीछे हिस्से पे पानी डालना है, वो भी धीमे, वाटर फ्लो धीमा होना चाहिए, और इसको हाइड्रेट करना है 2 से 3 मिनट के लिए मेनली किया जाता है, ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए इसको हाइड्रेट किया जाता है। इसके बाद इसमें जो स्टेबल वाटर है इसको हम क्या करते हैं, टिश्यू पेपर से कर देते हैं, पूरा सोख जाता है, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए स्लाइड पे, ठीक है, जहाँ जहाँ हमारा स्मियर है, जैसे हमारा इस जगह पे स्मियर है इसी पे बस होना चाहिए, बाकी वाटर हमें टिश्यू पेपर से वॉश कर हटा देना है, स्टेबल वाटर रिमूव कर देना है, टिश्यू पेपर ले सकते हैं या फिल्टर पेपर ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला स्टेप आता है न्यूक्लियर स्टेन, स्लाइड को रैक पे रखते हैं, रैक पे रखने के बाद न्यूक्लियर स्टेन है ये हमारा, न्यूक्लियर स्टेन इसको 45 टू 60 सेकंड के लिए रखते हैं। पैंतालीस से 60 सेकंड के लिए रखना है, इस पर 60 सेकंड में न्यूक्लियर स्टेन हो जाएगा, देख लीजिए। 1 मिनट हो जाने के बाद फिर इसको हम लोग रनिंग वाटर में वॉश करते हैं, रनिंग वाटर में वॉश करते हैं न्यूक्लियर स्टेन हो जाने के बाद। आप देखेंगे इस्मियर ने हल्का हल्का कलर पकड़ लिया है, न्यूक्लियर स्टेन
ले लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम वास बफर डालेंगे। वास बफर क्या करना होता है, 3 से 5 ड्रॉप डालना होता है 20 सेकंड के लिए। तो जैसे हमने ये स्लाइड रख दी, इसमें वास बफर हमारा, वास बफर डाल देना है 3 से 5 सेकंड के लिए। तीन से पांच ड्रॉप डाल दिए 20 सेकंड के लिए। वास बफर से क्या होगा, जो हमारा एक्सटेबल न्यूक्लियर स्टैंड लिया होगा वो वास हो जाएगा। इसके बाद फिर वास, वाटर वास, एक्स्ट्रा वाटर जो हुआ है फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू पेपर रख देंगे। एक्स्ट्रा वाटर जो है स्लाइड से हट जाएगा, क्योंकि इसके बाद अगला स्टेप आता है, मेन स्टेप डिहाइड्रेंट। अब डिहाइड्रेट का स्टेप आता है, डिहाइड्रेंट करना हमें, स्लाइड को फिर से रैक पे रखेंगे और डिहाइड्रेंट। ये हमारा डिहाइड्रेंट है, डिहाइड्रेट डालना हमें एक से एक मिनट के लिए। एक मिनट डिहाइड्रेंट चलेगा, डिहाइड्रेंट के बाद इसको हमें साइटोप्लाज्म स्टेन, देखिए ये हमने बनाए रखा है। जो ध्यान दीजिए, जो हमने न्यूक्लियर स्टेन किया था वो क्या था, न्यूक्लियस को कलर करता था, और साइटोप्लाज्म स्टेन क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को कलर करेगा। तो साइटोप्लाज्म स्टेन में हम क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं, 60 सेकेंड चाहिए होता है, एक मिनट तक इसमें रखेंगे। एक मिनट बाद क्या करेंगे, वॉश करना है। एक मिनट हो गया है, अब इसको क्या करना है, फिर से टैप वाटर में वॉश करना है। टैप वाटर वॉश धीमे, वाटर वॉश हो गया। इसको स्टेबल वाटर जो होगा उसको क्या करेंगे, हम फिर टिश्यू पेपर पे रख देंगे, स्टेबल वाटर पूरा निकल जाएगा। इसके बाद फिर से ये डिहाइड्रेंट भी जाएगा, डिहाइड्रेंट भी जाने का क्यों, क्योंकि जो वाटर ले लिया है अब इससे वाटर को रिमूव कर देना है, डिहाइड्रेट कर देना है। ये हमारा डिहाइड्रेंट है, लास्ट स्टेप डिहाइड्रेंट कर देंगे इसे। एक मिनट के लिए रखते हैं डिहाइड्रेंट में। अभी हमारा स्टेनिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, उसके बाद बस सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बची है। माइक्रोस्कोपिक करने से पहले इसको जरूरत पड़ने में माउंट कर सकते हैं, माउंट करना भी जरूरी होता है, क्योंकि स्लाइड को प्रिजर्व करा जाता है, काफ़ी दिनों के लिए स्टोर किया जाता है। तो इसको हम अभी माउंट भी करेंगे। ये हमारा डिहाइड्रेट प्रोसीजर भी कंप्लीट हो गया है। अब क्या करते हैं, स्लाइड को हल्का ड्राई करा देते हैं, उसके बाद जालिम डाल के माउंट कर देंगे। जालिम डालेंगे फिर ड्राई करेंगे फिर माउंट करेंगे। आइए इसका अगला स्टेप ड्राई करके फिर माउंट करके दिखाते हैं। स्लाइड हमारी बन के तैयार हो चुकी है, अब इसको क्या करना है, माउंट करना है। तो माउंट हम दो प्रकार से करते हैं, मॉइस्ट माउंट और ड्राई माउंट। तो हमें ड्राई माउंट करना है, तो पहले इसको हमें ज़ाइलिन डालना पड़ेगा। माउंट चाहे कोई भी तरीके का हो, ज़ाइलिन में डालना कंपलसरी है। ज़ाइलिन एक क्लियरिंग एजेंट है। ये हमारा ज़ाइलिन है, ज़ाइलिन डाल देते हैं 5 मिनट के लिए। हमारी स्लाइड तैयार हो गई है माउंटिंग के लिए, स्लाइड क्लियर हो चुकी है। अब स्लाइड को क्या करना है, ड्राई करना है, रख देंगे कुछ देर, ड्राई हो जाएगी तो ज़ाइलिन निकल जाएगी।
उसके बाद डीपीएक्स से हमें माउंट करना है, ठीक है। माउंटिंग, माउंटिंग कैसे करते हैं, माउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है? ये हमारा जो डीपीएक्स माउंट है वो क्या करता है, जब हम कवर स्लिप के साथ इसको लगा कर रख देते हैं तो स्लाइड काफ़ी दिन स्टोर हो जाती है, सुरक्षित रहती है, उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह कुछ नहीं लग सकते और ना ही उस पर कुछ कीड़े मकोड़े खा सकते हैं या कभी कभी चींटियाँ खा जाती हैं, उन सबसे प्रिजर्व रखता है, स्लाइड लंबे समय के लिए सुरक्षित रहती है। तो ये हमारे पास कवर स्लिप्स हैं लार्ज क्वालिटी की, दो ले लेते हैं क्योंकि दो स्लाइड हमारे पास। उसके बाद ये हमारा डीपीएक्स है, इसको हमने इस डीपीएक्स के इस वायल में निकाल रखा है, डीपीएक्स को दो ड्रॉप ले लेते हैं। ये हमारा इस्मियर है, कंफर्म करने किस तरफ इस्मियर है, ये हमारा ऊपर है, फ्रंट साइज है। इस्मियर को क्या करते हैं, इस तरह से रखते हैं, ये देखेंगे आप धीरे धीरे फैल रहा है और जहाँ जहाँ ना फैले, जैसे कोई एयर बबल आ जाए तो फोर्सेप्स से दबा दबा के उसको, एयर को ऐसे दबा देंगे तो एयर बाहर निकल जाता है, ठीक है। दूसरी स्लाइड जो है हमारी, ये हमारी स्लाइड तैयार हो गई माइक्रोस्कोपिक के लिए। अगला स्टेप आता है माइक्रोस्कोपिक। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो न्यूक्लियस है वो ब्लू कलर है और साइटोप्लाज्म जो है पिंक कलर है, मतलब ये स्टैंडर्ड स्टैनिंग है। अगर साइटोप्लाज्म पिंक नहीं हो रहा है तो मतलब स्टैनिंग कहीं फॉल्ट है, फिर से रीस्टैनिंग करना पड़ेगा आपको। न्यूक्लियस अगर नहीं स्टैन ले रहा है तो कुछ फिक्सेटिव फॉल्ट है या आपने अच्छे से हाइड्रेट नहीं किया स्लाइड को। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।